गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे अ शॉर्ट एंड ऑब्वियसली वेरी स्मार्ट पैराग्राफ रिटन ऑन द टॉपिक द लीची। लीची में सी एच डबल ई भी लिख सकते हैं एंड मैंने थोड़ी स्पेलिंग डिफरेंट वैसे लिखी है, एंड जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप स्पेलिंग लिख लेना। तो आइए रीच करते हैं। और बार बार मेरे को मैसेजेस आ रहे थे आप लोगों के कमेंट बॉक्स में कि मैम लीची पे एक पैराग्राफ लिख दो, तो मैंने वही लिखा है, बहुत ही शॉर्ट वे में लिखा है और ट्राई करा है कि ईजिएस्ट वे में बेस्ट इन्फॉर्मेशन लीची के बारे में जो है इस पैराग्राफ में मैं इंक्लूड कर दूं। तो आइए इसको रीड करते हैं। लीची इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्रूट ऑफ इंडिया। इट कम्स टू द मार्केट इन मे और अर्ली जून व्हेन वेरी फ्यू फ्रूट्स आर अवेलेबल। ठीक है, तो लीची क्या है? बहुत मोस्ट पॉपुलर फ्रूट है। और कहाँ का फ्रूट है? ऑब्वियसली हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में बहुत पॉपुलर है ये, और सबने खाई तो होगी लीची, बहुत टेस्टी भी होती है। और ये कब आता है मार्केट में? मई में और अर्ली जून में। और तब जो मई और जून का टाइम होता है उस टाइम फ्रूट्स काफ़ी कम अवेलेबल होते हैं मार्केट में, और उस टाइम पे आता है लीची फ्रूट। तो ऑब्वियसली इसका जो है फाइनेंशियल भी बहुत इकोनॉमिकली बेनिफिट्स होते हैं मार्केट में। इट इज़ ए डिलीशियस फ्रूट एंड जनरली कंज्यूम्ड एज ए टेबल फ्रूट। तो ये बहुत ही डिलीशियस फ्रूट है और इसको जनरली कैसे कंज्यूम किया जाता है? एज ए टेबल फ्रूट। चीन इज़ द बेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लीची इन द वर्ल्ड। चीन इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लीची इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज़्यादा लीचियाँ कहाँ प्रोड्यूस होती हैं? चीन में। एंड आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि इंडिया, चाइना जो है नंबर वन पर है जो कि लीची प्रोड्यूस करता है, एंड इंडिया इज़ ऑन नंबर सेकेंड। एंड चाइना और इंडिया अगर दोनों का लीची प्रोडक्शन देखा जाए तो 91% लीची इन दोनों कंट्रीज़ में बनती हैं, और बची हुई 9% लीचीज़ जो हैं ग्रो होती हैं और कंट्रीज़ में। ओके, लीची इज़ रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड वाइटामिन्स। तो लीची में ऑब्वियस है कैल्शियम, फास्फोरस एंड विटामिन्स बहुत होते हैं, विटामिन सी भी काफ़ी होता है इसमें। आगे रीड करते हैं। द इनसाइड ऑफ ए लीची इज़ ए क्लियर पिंकिश वाइट कलर। तो लीची अंदर से कैसे निकलती है? पिंकिश वाइट कलर में। द आउटसाइड इट इज़ ए हार्ड स्पाइकी शेल। तो आउटसाइड इसके क्या होते हैं? स्पाइकी शेल्स होते हैं और वो बहुत हार्ड होते हैं, जो कि इसका छिलका भी बोलते हैं जिसको हम इसे। इट्स सीड्स आर पॉइजनस एंड शुड नॉट बी ईटन। और इसके जो बीज होते हैं वो जहरीले होते हैं, मतलब हेल्थ के लिए नुकसानदायक होते हैं, तो इन्हें हमें नहीं खाना चाहिए। इंडिया इज़ द सेकेंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लीची इन द वर्ल्ड। इंडिया, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सेकेंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लीची है इन द वर्ल्ड में। एंड इंडिया एंड चाइना दोनों मिलकर 91% लीची प्रोड्यूस करते हैं पूरे वर्ल्ड की। इट इज़ वेरी स्वीट इन टेस्ट। ऑब्वियसली आप लोगों ने भी खाई होगी, इवन मुझे भी लीची बहुत पसंद है, तो बहुत स्वीट होती है टेस्ट में। इट मे बी फ्रोजन, मेड इन टू सोस, जैम, प्यूरी। तो इससे और क्या क्या बन सकता है? इसको फ्रोजन कर सकते हैं, सॉस, जैम और प्यूरी बना सकते हैं इससे। इट इज़ एक्सट्रीमली जूसी। लीची का जूस किसे पसंद नहीं है, सबको पसंद है। सो इट हेल्प्स इन कीपिंग द बॉडी हाइड्रेटेड। तो बॉडी में पानी जो है प्रॉपर रखती है। इट इज़ ए मेम्बर ऑफ स्ट्रॉबेरी फैमिली। और ये किस फैमिली का फ्रूट है? स्ट्रॉबेरी फैमिली का। तो आई थिंक कि मैंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी है छोटे से पैराग्राफ में, एंड आपको भी ये पैराग्राफ डैम श्योर मेरे प्रीवियस पैराग्राफ्स की तरह बहुत पसंद आया होगा। विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम एक बार इस पैराग्राफ को दोबारा से रीड कर लेते हैं ओनली इन इंग्लिश, एंड आप लोग भी मेरे साथ रीड कीजिए ताकि आपके इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन जो है गुड हो सके। सो लेट्स बी स्टार्ट। इट्स टाइटल इज द लीची। लीची इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्रूट ऑफ इंडिया। इट कम्स टू द मार्केट इन मे और अर्ली जून व्हेन वेरी फ्यू फ्रूट्स आर अवेलेबल। इट इज ए डिलीशियस फ्रूट and generally consumed as a table fruit. China is the biggest producer of lychee in the world. Lychee is a rich source of minerals like calcium, phosphorus and vitamins. The inside of a lychee is a clear pinkish white color. The outside
of it is a hard spiky shell. Its seeds are poisonous and should not be eaten. India is the second biggest producer of lychee in the world. It is very sweet in taste. It may be frozen, made into sauces, jam, puree. It is extremely juicy, so it helps in keeping the body hydrated. It is a member of strawberry family. तो कैसा लगा ये पैराग्राफ? अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना. बार बार आपके रिक्वेस्ट पर मैंने स्पेशली बनाया है. एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो. थैंक्स फॉर विजिटिंग एट माई चैनल एंड ऑल द बेस्ट. हैव अ गुड डे.